नमस्ते बच्चों, आई चैंपियन निशु शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या है और कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी होता जा रहा है। सो बेसिकली कंप्यूटर क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो टू पर्पस के लिए हुआ है। एक तो कंप्यूटर का सिंपल यूज हो सके नॉर्मल इजीली लाइफ में, और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज हो सके। ठीक है, तो सिंपल कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि सिंपल कंप्यूटर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, तो सिंपल कंप्यूटर का यूज हम लोग माइक्रो कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसमें हमारे पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा फोन हो सकता है, या ऐसा कोई गैजेट जिसमें कीबोर्ड हो, वो सारी चीजें हमारे क्या हो गए, पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, जैसे हमारा वर्क स्टेशन, हमारा लैपटॉप, हमारा पीडीएफ। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स में हाईली कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका फुल बेनिफिट हम लोग नहीं ले पाते। रीजन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन यूज के लिए लिया जाता है। जैसे कि हमारा सर्वर होता है, सर्वर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लगता है जिसको कनेक्टिविटी के लिए हम लोग मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर या सुपर सुपर कंप्यूटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा फोर कंप्यूटर्स में हो रहा है। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज मेन फ्रेम, थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज अ सुपर कंप्यूटर। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल्ड कर रखा है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, दैट आर द क्लास इन विच वी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो लेट डिस्कस देम वन बाय वन। सो बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग पीसीज के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे घरों में होता है, जिसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं, दैट इज आवर पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो क्या है, उसका हम अपने घरों में देखें, हमें कहीं पर भी वो इजीली मिल जाएगा, किसी के घर में, कहीं भी ऑफिस में कंप्यूटर सब जगह पे मिल जाता है, जिसका प्राइस भी बहुत कम होता है और ये सुटेबल है हाउस और इंडिविजुअल यूज के लिए। इसके अंदर मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, माउस होता है, अ माउस फॉर ऑपरेट, कीबोर्ड फॉर वर्किंग एंड मॉनिटर फॉर डिस्प्लेइंग, सीपीयू फॉर स्टोरेज। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। सो वी इनहेंस द कॉम्पोनेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर एज वेल एज कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अपॉन नीड। ओके, अब इसको चलाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे ये मैंने आपके नोट्स बनाए, ये नोट्स किस पे बनाए, आपके वर्ड प्रोसेसर पे, ताकि मैं इसको टाइप कर सकूं। अगर मुझे आपका डेटा तैयार करना होता, वो डेटा मैं कहाँ तैयार करती, वो आपका एक्सेल पे तैयार करती। ठीक है, आपके कंपाइलर का, आपका इमेज व्यूअर, अगर मैंने इसमें इमेज व्यूअर नहीं डाला है तो ये आपकी जो सिस्टम में आपकी जो इमेज दिख रही है वो दिखना पॉसिबल नहीं होती। गेम्स के लिए, ठीक है, इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब हो गया हमारे पर्सनल कंप्यूटर का वर्किंग। अब हम बात करें लैपटॉप की। तो लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका कंपेरिजन करें पीसी से, यानी कि डेस्कटॉप से, तो सबसे इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये पोर्टेबल है, हैंडी, हम इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, जबकि हम डेस्कटॉप को इजीली नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लैपटॉप का साइज बहुत छोटा है, पर्सनल जो कंप्यूटर है, हमारे जो डेस्कटॉप है, उनका साइज बहुत बड़ा है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, अब डेस्कटॉप के लिए हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या था, डिसएडवांटेज कहें, एडवांटेज कहें, डेस्कटॉप के लिए जब लाइट होगी तभी वो हमारा वर्क करेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन जो होगा वो लाइट से होगा, जबकि हमारा लैपटॉप का एक बार हमारी बैटरी फुल हो गई, अब हमको जरूरत नहीं है सप्लाई की। ठीक है, इसके लिए हमें चार्ज में लगाने की इसको जरूरत नहीं है, जब तक आपकी लैपटॉप है, जितना आपका लैपटॉप की बैटरी चलेगी उतना आपका फंक्शन लैपटॉप का वर्क करेगा। इसके अंदर आपका मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका एडवांटेज जैसे कि मैंने भी बताया कि पोर्टेबल है, हैंडी है, और बेसिक डिसएडवांटेज जो है कि ये बहुत महंगा है और इसको कोई भी चुरा सकता है, इजीली चुरा सकता है, और इसका इफ यू वांट टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन दे प्रूव टू बी स्टिल कॉस्टलियर। ठीक है, नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। पीडीए क्या होता है? दे आर ऑल स्मॉल कंप्यूटर विच कैन बी हेल्ड इन हैंड्स। इसको हम पीडीए को हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। दे आर यूज टू ब्राउज इंटरनेट एंड रिसीव शॉर्ट मैसेज। इसका हम जैसे कि कुछ होता है जो मुझे किसी को मैसेज करना है या इंटरनेट ब्राउज करना है या मुझे सेंड मैसेज करने, तो उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए मुझे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, नाउअडेज दे आर used to work with a smart card which have user information। जैसे हमारा एक आईडी कार्ड होता है, आपने देखा होगा कि जब आप लेक्स वगैरह में जाते हो बहुत सारी कंपनीज में वो अपना आईडी कार्ड लिखते हैं और स्क्रीन पर टच करते हैं, तो जिससे आपका वो गेट ओपन हो जाता है या लॉक हो जाता है, वो सब कहाँ यूज करते हैं? वो सब हमारा एक पीडीए है, वो पर्सनल असिस्टेंट सारी चीजें। ठीक है, तो इजी हम उसको स्वैप कर सकते हैं ताकि वो अंदर बाहर कभी भी आ सकता है। ये सारी हमारे पर्सनल सारी चीजें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क स्टेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वर्क स्टेशन जो है दे आर हाई एंड पीसीज, दे कंटेन मोर मेमोरी एंड हाई स्पीड प्रोसेसर कंपेयर टू पीसी, दे होस्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरिंग मोर रिसोर्सेज, दे आर यूज्ड इन बिजनेस बट बाय अ सिंगल यूजर। टिपिकल वर्क डन ऑन वर्क स्टेशन इंक्लूड वाइल्ड एडिटिंग, एनिमेशन ड्राफ्टिंग ऑन आर्किटेक्चरल डिजाइन एनिमेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन का वर्क स्टेशन से ही समझ में आ रहा है कि एक वर्क के लिए कोई एक स्टेशन है, दैट मीन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारा बहुत सारे पीसीज को हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारी मेमोरी होती है, जिसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू पीसी। अब सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या है? सर्वर के लिए देखिए, ये हमारा सर्वर है, इसमें क्या है, दे आर वेरी सुपर फास्ट हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर इंटेंड टू सर्व द नोड इन अ नेटवर्क। नोड इन टर्न आर पीसीज, दे आर कनेक्टेड टू सर्वर। अब जैसे आप लोग नेट कनेक्ट करते हो, वो नेट कनेक्ट करने के लिए आपको किसी न किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। आप जैसे किसी को मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैसेज किसके थ्रू जा रहा है? किसी न किसी सर्वर के थ्रू जा रहा है, वो किसी न किसी सर्वर पे जा रहा है, तो दैट इज योर सर्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कंप्यूटर यूज्ड मेनली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है ताकि वो अपने डेटा को बल्क में स्टोर कर सके, जैसे कि सेंसर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर स्टैटिक, ईआरपी, या जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सेम एज उसमें भी हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। So I hope आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन मेंशन मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।